आज हम लोग मेम्ब्रेन लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। बहुत हम इसको मानते हैं कि मेम्ब्रेन के डायनेमिक्स को समझने के लिए फॉस्फोलिपिड्स और उसके तौर तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। कुछ तो बेसिक डेफिनेशंस की बातें होंगी ही। अगर हम लोग फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है इसका कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन है तो है क्या? कंपोजिशन की अगर बात करें तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, दो मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स और उसके साथ एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट और फिर उसके साथ एक मॉलिक्यूल एल्कोहल। तो ये जो चीजें हैं इस स्ट्रक्चर में, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर फिक्स है, फॉस्फेट का भी स्ट्रक्चर फिक्स है, तो वेरिएबल कौन है? वेरिएबल फैटी एसिड्स है और अल्कोहल है। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं, स्ट्रक्चर को छोटी छोटी चीजों में बांटना। फैटी एसिड्स के दो टाइप हो सकते हैं, इसलिए ये वेरिएबल हो गया, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, इसलिए फैटी एसिड्स के वो हम लोगों ने कहा कि ये वेरिएबल है। और अल्कोहल में भी इसके जगह पर कई महत्वपूर्ण इसके अल्कोहल हैं, जैसे कि पहला वॉलिन, दूसरा सेरीन, तीसरा इथेनोलामाइन, ओके, चौथा कार्डियोलिपिन, ठीक है, फिर पांचवा आइनोसिटोल, छठवा फॉस्फोग्लिसरॉल। इस तरीके से कार्डियोलिपिन हटा दीजिए, इसको हम अलग से कंस्टिट्यूट करेंगे, मतलब ये पांच प्रकार के आपको सामान्य रूप से दिखते हैं, मतलब कि अल्कोहल के कंपाउंड। तो इसलिए हमने कहा कि फैटी एसिड्स और अल्कोहल ये दो वेरिएबल ग्रुप है, बाकी ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। जब अगले पॉइंट पर आते हैं और इसके स्ट्रक्चर को कंस्टिट्यूट करते हैं तो डिटेल तो हमने लिपिड्स के वीडियोस में डाल रखे हैं, आप वहां से उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, वहां से उसको पढ़ लीजिए, लेकिन एक स्ट्रक्चर हम लोग देखना चाहेंगे। देखिए जो स्ट्रक्चर है उसमें पहले तो एक ग्लिसरॉल का बैकबोन है, तो ग्लिसरॉल इस प्रकार से हमें दिखता है, ठीक है, तीनों कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप है और इस ग्लिसरॉल से जुड़ता है फैटी एसिड, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ कलम चलाएं, ये हो गया फैटी एसिड्स, यहां जुड़ता है फॉस्फेट, ठीक है, माइनस चार्ज, और इसके साथ जुड़ता है कोई अल्कोहल, मान लो कि हम अगर लेते हैं कोलीन, कोलीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, CH3 का होल, इस तरह इसका एक स्ट्रक्चर लुकआउट आता है। जब ये रिएक्शन करता है तो इस प्रकार से ये H और ये OH टूटकर बाहर निकलता है, यहां भी H OH टूटकर बाहर निकलता है और यहां पर भी H और OH टूटकर बाहर निकलता है, साथ में H और ये OH,
ये सभी जो टूट कर बाहर निकलते हैं, जिसको मैंने रेड से लिखा, ये एनहाइड्रिक बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? एनहाइड्रिक बॉन्ड्स। क्यों एनहाइड्रिक बॉन्ड्स इन्हें कहा जाता है? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूटकर बाहर निकलता है। और दूसरा, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके कार्बन के न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। यहाँ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, ये जो है ये भी इस फॉस्फेट के न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, और इसी तरीके से ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इस, तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर जो है वो तैयार। अब जब इस स्ट्रक्चर को हम पूरी तरह से एक बार लिख लें तो इसको हमें पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए कैसे बनता है, एक स्ट्रक्चर समझा देंगे, रिविजन हो जाएगा और बाकी जो है आपका लिपिड वाले वीडियो से आप देखें। देखिए सब जुड़ते जा रहा है। देखिए सब जुड़ते जा रहा है, ओके। और यहां पर इस तरीके से अरेंज हो गया। जब फॉस्फेट जुड़ता है, ये मैंने पहले ही बताया है, जब ये फॉस्फेट तीसरे कार्बन से, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, तीसरे कार्बन से जब ये फॉस्फेट जुड़ता है तो सेकेंड कार्बन पर जो फैटी एसिड ग्रुप होता है वह अपोजिट ओरिएंटेशन में अरेंज हो जाता है। इसलिए मैंने इसको राइट साइड पलट दिया है, यह बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट। अगर इस फॉस्फेट को हटा देंगे ये ग्रुप कर जाएगा लेफ्ट साइड, तो ये इसी के फीचर पर डिपेंड करता है। अब यहां पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया, इस स्ट्रक्चर का नामकरण भी करना पड़ता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, यहां से यहां तक के स्ट्रक्चर को कहते हैं फॉस्फेटिडाइल। ठीक है, फॉस्फेटिडाइल। और चूंकि ये जो है कोलीन है तो इसके साथ इसको जोड़ दिया गया, फॉस्फेटिडाइल कोलीन। तो पूरा नाम पड़ गया इसका फॉस्फेटिडाइल कोलीन। तो फॉस्फेटिडाइल में कौन कौन शामिल है? फैटी एसिड्स, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल का कार्बन रिंग, ये तीनों मिलाकर फॉस्फेटिडाइल कहलाता है। ठीक है, और ये तो कोलीन जो अल्कोहल का ग्रुप है, ये तो कोलीन है, तो कोलीन हम कहे, तो इसका नाम पड़ गया फॉस्फेटिडाइल कोलीन। अब फॉस्फेटिडाइल जो है इसमें दो फैटी एसिड्स, एक ये फैटी एसिड चेन और ये एक फैटी एसिड चेन। ठीक है, इसलिए जब हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किसी भी हेड में हम लोग दो ऐसे चेन दिखाते हैं, फैटी एसिड चेन। तो विद्यार्थी अगर इस तरह बनाता है और उसको अगर लोकेट नहीं कर पाता है तो ये फिर गड़बड़ है। ये जो है वो R1 फैटी एसिड चेन है और ये R2 फैटी एसिड चेन है। अच्छा, और हम जब हेड लिखते हैं तो हेड में हम प्लस एंड माइनस चार्जेस ऐसे करके दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पर फॉस्फेट में माइनस चार्ज है और यहाँ नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है। इसका मतलब हो गया कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक का, ये बनाता है हेड, ओके, और ये जो हिस्सा है यह बनाता है टेल। तो हेड क्यों चार्ज्ड? क्यों हम लिखते हैं कि हेड पोलर है? इसलिए कि हेड में चार्ज है। तो चार्ज कौन सा है? माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज। इस प्रकार से हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाते हैं एक टिपिकल, तो उसको इस प्रक्रिया से समझ कर दिखलाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो अब इसी मुद्दे पर हमें और देखने की जरूरत है। देखो कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ती है, क्योंकि सीखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ना। अब आप लोग देखेंगे कि कैसे कुछ हम नया बना रहे हैं। होता क्या कि जो फैटी एसिड चेन है
ये फैटी एसिड चेन किस चीज का है, ठीक है ना। अभी हम लोग फैटी एसिड चेन पर बात करने जा रहे हैं। 1, 2, 3 थर्ड पर तो फॉस्फेट है, यहां पर एक फैटी एसिड चेन, ठीक है। सोचो कि ये जो फैटी एसिड चेन है यह पैलमिटिक एसिड, पैलमिटिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन है। पैलमिटिक एसिड जब यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है इसे हम लोग पाल्मिटोइल कहते हैं, है ना। जब तक ये फ्री रहता है पैलमिटिक एसिड कहलाता है, जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है इसे हम लोग पैलमिटोइल कहते हैं। और पैलमिटिक एसिड जो है यह एक बड़ा यूनिक एसिड है, सैचुरेटेड एसिड है, ठीक है। हमने यहां लिखा पैलमिटोइल। ठीक उसी प्रकार से यहां पर ऑक्सीजन डाल के देना होगा, एक ऑक्सीजन यहां छूट गया, ओके। ठीक उसी प्रकार से हम जब दूसरे फैटी एसिड को बनाते हैं तो वो फैटी एसिड चेन जो है हाइड्रोकार्बन चेन वो सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। आप सोचो यहां जो फैटिक एसिड है वो ओलेइक एसिड है, जब ये रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा इसको हम लोग ओलोइल कहेंगे, ओलोइल, ठीक है, या ओलाइल भी कहते हैं लोग, ऐसे भी लिखते हैं ओलाइल। तो यहां पर हम लोग ओलोइल इसको लिखिए। अब आप देखिए जो दो फैटी एसिड्स हैं दोनों फैटी एसिड्स का नेचर अलग अलग है। जहां पर ये सैचुरेटेड है वहीं पर इसे हम लोग ओलिक एसिड को क्या बोल रहे हैं, अनसैचुरेटेड। तो दोनों का नेचर जो है वो अलग अलग है, अनसैचुरेटेड। साथ ही साथ हम लोग कहते हैं कि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि इसमें वन डबल बॉन्ड है, वन डबल बॉन्ड। अब ये समझ जाए कि दोनों का जो फीचर है ये अलग अलग। तो जब भी हम लोग इसका नाम लिखना अगर हमें पड़े, इसके नाम लिखते वक्त हमें बहुत सावधानी से इसका नाम लिखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी मिस करने से जब क्वेश्चंस में आएगा इसका नेमिंग तो कई बार विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि क्या इसका हम नाम लिखें। इसको देखो कैसे नाम लिखा जाता, ठीक है। यहां तो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, हम शॉर्टकट पे फॉस्फेट लिख दिए, और फॉस्फेट से सोचो कि कोलीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका नामकरण जब हम लोग करते हैं तो देखो वन पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, पाल्मिटोइल, वन पाल्मिटोइल कॉमा, टू, टू में क्या है, ओलाइल है, वन टू। अच्छा ये जो ओलाइल है उसका पोजीशन यहां पर क्या कहलाता है, सिन, मतलब ये सिन पोजीशन है, तो लोग सिन भी लिखते हैं एस एन डैश, ग्लिसरो, ठीक है। और थर्ड कार्बन पर क्या है, थ्री फॉस्फोकोलीन। अब जब एग्जामिनेशन होता है एक विद्यार्थी को तो छांटना है ना, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं होता है, रिजेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि ये भीड़ के लिए, मान लो कि 1,00,000 लोग हैं, 100 पद है, यहां चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो छांटना है इसमें। अब एक नॉर्मल विद्यार्थी डर के मारे इस नाम को नहीं पढ़ेगा, लेकिन यदि आपको स्ट्रक्चर समझ में आता है आप ठाट से इस नाम को देखेंगे। कार्बन नंबर वन पर पाल्मिटोइल, ठीक है, कार्बन नंबर वन पर पाल्मिटोइल, कार्बन नंबर टू पर ओलाइल, कार्बन नंबर टू पर ओलाइल। ये जो अरेंजमेंट है ये सिन है, अगर आप सिन नहीं लिखें तो भी चल जाएगा। फिर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किसका स्ट्रक्चर था, तो ग्लिसरॉल का, तो नाम पड़ा ग्लिसरो। और तीसरे कार्बन पर क्या है, फॉस्फेट और कोलीन, तो पड़ा तीन पर फॉस्फेट और कोलीन, ठीक है। इसको क्या लिखा, पी ओ, पी का मतलब क्या हो गया, पाल्मिटोइल, ओ का मतलब क्या हो गया, ओलाइल है, और उसके बाद हो गया पी
सी, इसका नाम हो गया पीओपीसी। ग्लिसरो को लोग जी को नहीं यूज करते हैं, मतलब इसको लोग साइलेंट मोड में मतलब शॉर्ट फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। जो दो फैटी एसिड है उसका नाम और फॉस्फेट के साथ जो अल्कोहल लगा उसका नाम, सामान्यतः यही प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से नाम पड़ता है पीओपीसी, पाल्मिटोइल ओलाइल फॉस्फो कोलीन। अगर कोलीन के जगह पर सेरीन होता इसका नाम क्या हो जाता है, पीओपीई, दैट इज पाल्मिटोइल ओलाइल फॉस्फो सेरीन, नॉट ई एस, हाँ पीओपीएस। इस प्रकार से इसका नेमिंग किया जाता है। देखो अल्केन, मान लो कि हम एक लिखते हैं मीथेन, जब यह रिएक्शन रिएक्टिव होता है इसको लोग बोलते हैं मिथाइल। क्यों कहते हैं, क्योंकि मीथेन में चारों कार्बन पर चार हाइड्रोजन होता है, कोई वैलेंस इसका खाली नहीं रहता है। सो इसको रिएक्ट कराने में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। लेकिन जब भी मिथाइल कहते हैं तो क्या कहते हैं, तीन कार्बन है और एक जो है वो खाली है, मतलब ये जो है यहां पर कुछ भी रिएक्ट कर सकता है, ये आयल टर्म आया। अब क्या होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड हो, जैसे कोई ऐसी मान लो कि हम कहें कि अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, तो जो अमाइनो एसिड है वो तो फिक्स है स्ट्रक्चर उसका, आर सी ओ एच, ठीक है, एन एस थ्री प्लस एच, ये अमाइनो एसिड होगी, ठीक है ना। लेकिन जब यही अमाइनो एसिड रिएक्शन मोड में आएगा इसको क्या कहा जाएगा, अमाइनो एसाइल, क्या कहलाएगा, अमाइनो एसाइल। तो अब जैसे एग्जांपल नाम देखो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि एलानीन हो, एलानीन एक अमाइनो एसिड, एलानीन जब ये रिएक्टिव मोड में आएगा हो जाएगा एल, ठीक है। फिर हम एक और लेते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड जब रिएक्टिव मोड में होता है मतलब किसी के साथ जुड़ा रहता है उसको हम लोग कहते हैं फैटी एसाइल, फैटी एसाइल, या फिर सिर्फ एसाइल बोल देने से ही काम हो जाता है। एसाइल का मतलब ये फैटी एसिड। तो कोई भी जब रिएक्शन किसी के साथ जुड़ता है तो उसके नाम का लास्ट में उसको मिथाइल मतलब कि आयल टर्म लगाकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये काफी क्लियर है आप लोग। अब एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को उसका नाम सोचना है क्या है, ठीक है। मैं एकदम बड़ा सामान्य स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। ओलाइल दिख रहा है, ओलाइल फॉस्फेट इथेनोला, इसका क्या नाम होना चाहिए, कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं। इसका नेमिंग हो गया 1,2 डाई ओलिवाइल सिन ग्लिसरो 3 फॉस्फो इथेनोलामाइन, डी ओ ई और ई फॉर इथेनोलामाइन। अब इसी में हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं और आप देखिए ऐसे करके, और हम ओलाइल देखिए, वेरिएबल तुम्हारे लिए यही सब दोनों है। अब देखिए हम इसमें बदलते हैं, कुछ नाम नया डालते हैं। यहां हमने डाला लिनो लेग एसिड, लिनो लेल, लिनो लाइल, और यहां हम लोग देते हैं मेरिसाइल,
और यहां हम लोग लिखते हैं सेरीन। अब इसका नेमिंग कैसे लिखते हैं, इसका नाम क्लियर कट हो गया कि पहले में लिनोलाइल है, दूसरे पर मेरिसाइल है। मेरी मेरिसाइल नहीं लिखेंगे, मेरिस्टाइल लिखेंगे, ठीक है। भी कभी कभी जो है ना कंफ्यूजन में आ जाते हैं, मेरिस्टाइल, ठीक है, मेरिस्टाइल। और फॉस्फोसेरीन, तो LMPS। तो ये एक नेमिंग पैटर्न है जिसको मुझे उम्मीद है कि आप आराम से अब समझ गए। कहीं भी इस तरह का नेमिंग देखेंगे तो आप थोड़ा भी घबराएंगे नहीं। अब हम लोग आते हैं जो फॉस्फोलिपिड है उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का क्या रिलेशनशिप। ये हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड्स, और अब इसमें हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बात करें। यदि सैचुरेटेड कहते हैं तो सैचुरेटेड में कोई डबल बॉन्ड तो होता नहीं है, लेकिन अनसैचुरेटेड में कहते हैं अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एक जहां पर सिग्मा बॉन्ड होता है दूसरा वहीं पर पाई बॉन्ड होता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि अनसैचुरेटेड अल्कोहल जो है यह सैचुरेटेड से कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज में अंतर करता है। पहला जो हो गया फॉस्फोलिपिड का वो ये हो गया कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। जैसे सैचुरेटेड में फॉस्फोलिपिड्स में जो फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड चेन लिखेंगे, पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना, फैटी एसिड चेन्स। तो जो फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड चेन है जो अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड में बहुत सारे एग्जांपल जैसे जैसे ब्यूटारिक एसिड, जैसे पैलमिटिक एसिड, एस्टेरिक एसिड, एराकिडिक एसिड, एराकिडिक एसिड, ये सभी। और अनसैचुरेटेड में ओलिक एसिड, एक डबल बॉन्ड होता है, लिनोलेइक एसिड, इसमें दो डबल बॉन्ड होता है, लिनोलेनिक एसिड, इसमें तीन डबल बॉन्ड्स होते हैं, और एराकिडनोइक एसिड, इसमें चार डबल बॉन्ड होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के नेचर को दर्शाता है कि ये जो एग्जांपल्स है। अब जो अगला मुद्दा इसमें आता है वो आता है क्या कि नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड, नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड। वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पर इसका स्वभाव बदलता है फॉस्फोलिपिड्स का। तो पहला जो इसमें ऑप्शन होता है वो होता है लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन, और हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द फैटी एसिड। फैटी एसिड का जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके लंबाई से इसका नेचर बदलता है, और दूसरा सैचुरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड्स, कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, क्या है। तो ये जो दो है कि लंबाई कितनी है और सैचुरेशन कितना है, इसी दो के आधार पर फॉस्फोलिपिड का नेचर बदलता है। और ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन इज काउज्ड, किसके द्वारा काउज होता है, काउज्ड बाय चेंज इन द टेम्परेचर, इन द टेम्परेचर। सामान्यतः मान में बदलाव होने से ये फॉस्फोलिपिड के जो स्ट्रक्चर है, फैटी एसिड जो स्ट्रक्चर है
उसमें बदलाव आता है। अब आप देखें कि जैसा मैंने पिछले दिनों स्ट्रक्चर बनाया था, आप एक बार फिर से कंपेयर करें, ये लंबे लंबे हाइड्रोकार्बन चेन, ये छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन चेन है, फैटी सीड्स हाइड्रोकार्बन चेन। ऐसा भी हो सकता है कि एक लंबा हो और एक छोटा फैटी सीड हाइड्रोकार्बन चेन। फिर आता है क्या कि एक सैचुरेटेड हो लंबा और उसके साथ एक अनसैचुरेटेड, या फिर हो सकता है कि एक छोटा हो और उसके साथ अनसैचुरेटेड, या फिर ऐसा फॉस्फोरिपिड हो सकता है कि दोनों ही अनसैचुरेटेड हो। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इस स्ट्रक्चर को समझने में हमें बंदे कहते हैं कि हम इन सब बारीकियों को समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको कहते हैं कि ये सैचुरेटेड है, एस 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 फॉर स्टैंड फॉर सैचुरेटेड, एस अनसैचुरेटेड, यू एस यू यू यू। तो आप देखें कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें दो ही वेरिएबल है, एक लंबा और एक छोटा। तो सैचुरेटेड लॉन्ग, सैचुरेटेड लॉन्ग, सैचुरेटेड लॉन्ग, सैचुरेटेड शॉर्ट। अब शॉर्ट के लिए हम लोग को एस एस आर यूज करना, शॉर्ट सैचुरेटेड लॉन्ग, सैचुरेटेड शॉर्ट, सैचुरेटेड लॉन्ग, अनसैचुरेटेड लॉन्ग, सैचुरेटेड शॉर्ट, अनसैचुरेटेड शॉर्ट एंड अनसैचुरेटेड। तो अब आप देखिए कि दो दो चीजों को हम लोगों ने पैरामीटर में लिया, पहला लिया सैचुरेटेड है या नहीं है, दूसरा लिया कि लंबा है या छोटा है। तो जब भी किसी फैटी एसिड के चेन को हम लोग देखते हैं तो हमको इन दोनों पैरामीटर को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं देखेंगे तो फिर बारीक सवाल जो होता है वो हमारे आंख के सामने से निकल जाएगा और हम हवा में घूमते रहेंगे। ओके, अब आप देखें कि जो अनसैचुरेटेड लिखते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि मान लो कि फॉस्फोलिपिड है ऐसे, और यहां हमने इसको ऐसे करके एक एंगल दिया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने इसको एंगल दिया है, यह क्या दर्शाता है, यह दिखाता है कि यहां पर डबल बॉन्ड है। ओके, डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक बॉन्ड बड़ा होता है और एक बॉन्ड छोटा होता है, इसलिए मुड़ जाता है, एंगल में मुड़ जाता है। ये इस जगह को हम लोग, इस चीज को हम लोग कहते हैं किंक। तो किंक रिप्रेजेंट करता है उस डबल बॉन्ड वाले पार्ट को जो फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन में मौजूद होता है। इस प्रकार से यह किंक का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। अब है, चूंकि फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन में अरेंज्ड होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स अरेंज टुगेदर टुगेदर टू मेक अ मेम्ब्रेन। ये आपस में कर एक मेम्ब्रेन को बनाता है, इस चीज को कहा जाता है पैकेजिंग। पैकेजिंग मतलब ये पैकेजिंग हो गया कि सब फॉस्फोलिपिड है ना एक तरह का, या मान लो कि ये दो लंबा है तो दो ऐसे करके, एक छोटा है तो दो छोटा है, इस तरह से ये पैकेजिंग कहलाती, ठीक है ना। और मेम्ब्रेन की खास बात क्या होती है कि इन रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, इन रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर मेम्ब्रेन बिकम्स रिजिड और बहुत कठोर हो जाएगा, या फिर और फ्लूडी बहुत तरल हो जाएगा। इस घटना को हम लोग बोलते हैं फ्लूडिटी, फ्लूडिटी। अब आप देखें कि ठंडी में हमारी अकड़ जाती है, हम लोग बोलते हैं ठंडी में सूखी और कड़ी त्वचा को मॉइस्चराइजर लगाकर कोमल बनाए,
वहीं पर आप बरसात में अगर देखें तो बरसात में आपकी त्वचा जो होती है वह मॉइस्ट होता है, मतलब टेम्परेचर वाइज हमारे त्वचा पर क्या होता है, असर होता है। अगर हमारा घर मान लो जो हम 40 डिग्री टेम्परेचर में है, हम 0 डिग्री टेम्परेचर में है, हम 25 डिग्री टेम्परेचर में है, तो हर टेम्परेचर के आधार पर हमारे त्वचा में जो मेम्ब्रेन है या हमारे सेल का जो मेम्ब्रेन है वह अलग अलग रिस्पॉन्स देता है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं फ्लूडिटी। और ये जो फ्लूडिटी है यह किस पर डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है सैचुरेशन एंड लेंथ, लेंथ ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में।